भगत कबीर जी कहते तू जलाहा मैं सन्यासी, तेरी ते मेरी बराबरी की है, तेरे वर्गियां नूं लोड़ है नाम जपण दी, बंदगी करन दी, भगती करन दी, सानूं नहीं है लोड़, तेरे वर्गियां नूं लोड़ है। भगत कबीर जी कहते ने सुन फिर ध्यान नाल, चार पाव दोए सिंह मुख गुंग तब कैसे गुन गई है, उठत बैठत ठेंगा परे है तब कत मूंड लकई है, हर बिन बैल बराने हुई है, फूटे नाकन टूटे कादन कोदो को पुस गई। फिर वो भगत सी जाका के आदर गए चले, सो किसको नजर ले आवे तले, वो भगत सी कहिंदे फिर हो जा बलद बनन वास्ते तैयार। जो प्याना जूनी बलद दी ते साइया ने तेरे मारी नथ, नथ पाली ना तेरी नक दे विच मोरा कढ के मारिया, जो लोहे का सुंबा तेरी नासा दे विच, नासा पाड़ के तेरे पा देनी रस्सी विच, जो खिंचणगे तेनू दर्द होएगा उदो पता लगेगा, जो किले नाल बन के हर बिन बैल बराने हुई है, फूटे नाकन टूटे कादन, फूटे नाकन आ टूटे कादन, जो रेहड़ी च जोंदे ने कंधे टुट जाते ने, हल च जोंदे ने कोदो कुप, पता नहीं कदों पराली पाउणी कि नहीं तूड़ी पराली, चेता आ गया तो पा देना, तेरी कड़ा वाह सुनी जा। ओ उच्ची जात वाले आ सुन फिर, कहिंदे इस तरह नहीं किते हुंदे पूरे, कहिंदे पूरे ही होणगे फिर हुण, ये भगतां दे बचन ने बंदगी वालिआं दे। लोकी यही भरम च रह जांदे ने, कई बार कोई बंदगी वाला मिल जांदा है फिर बड़ा सेक लगता, फिर पछताउंदे रहिंदे ने, बख्शाउंदे रहिंदे ने, बख्शा ही नहीं जांदा, हिले हुंदे ने ना रेक दे, फिर बंदगी वाला नितनेम ही मिल जांदा, बाणी पढ़न वाला कोई बोल बोल जांदा, फिर पछतावा रह जांदा। भगत कबीर जी ने बचन कहे शब्द उचारिया भी जदों चार पैर ते मुख गूंगा तेरा होया फिर किवें नाम जपे। थोड़ा समा पिया सतसंग जी वो मर गया, जदों मर गया उन्होंने घर ही जिहड़ी गां सुनी सी बच्छा बन के उन्होंने घर, सत्कार जो सरदार हरिंदर पाल सिंह जी भी परिवार नाल दुख सांझा करदे हुए उन्होंने भी हाजरी भरी है, उन्होंने भी जिया आख्या जाता है, तह दिली धनवाद किया जाता है। सरदार प्रेम सिंह जी चंदू माजरा उन्होंने बरखुरदार सपुत्र सरदार हरिंदर पाल सिंह जी MLA उन्होंने भी हाजरी भरी है। सुसा सिंह जी भगत कबीर जी ने समझाया पर ना समझिया, कहिंदे तेरे वर्गियां दे बचन कित्थे, आ लोकां भोले भाले चलदे ने साडे ते नहीं चलदे, असीं गुरु होने आ सन्यासी होने, सानू नाम जपण दी बंदगी दी लोड़ नहीं, उच्ची कुल वाले आ असीं। भगत कबीर जी कहिंदे फिर कोई नहीं, थोड़े दिनों बाद लग जाएगा, पर जिहड़ी गां सुनी सी जदों मर गया थोड़े दिन पहलां उहनां दे घर गां सुनी सी बच्छा बन के जम, तुसीं जिमीदार वीर बैठे हो हुण ते चल समा घट गया, हो रहा नहीं बलदां वाला, पहला बलद ही सारा हाल बाणे, बुग्गियां विच जोणे गड्डियां विच बलद जोए जांदे, खूहां ते वी जिहड़ा पाणी कढ़िया जांदा बलद जो के, सारा काम बलदां तों लिया जांदा सी, उह विच बच्छा बलद ही बनना सी, उहने थोड़ा वड्डा होया, उह कहिंदे हुण कहावत है पंजाबियां दी जिमीदारां दी हाली कढ़ना, हाली कढ़ीए नूं छोटे जिहे नूं हाली कढ सकदे आ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ, ਆ ਕਿਤੇ ਮੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਣਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੱਕ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਜਾ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਦਨ,
क्या सी भगत कबीर जी ने, हर बिन बैल बराने हुई है, कहता सी शब्द विच भी जी नाम ना जाए कहें बैल बनेगा बैल, हर बिन बैल बराने हुई है। सो सतसंग जी जदों उन्होंने हल जोया तो हल नहीं जोया जो थले बह जाता है, उन्होंने याद है कि मैं तुहाडा सन्यासी गुरु। हुण सतसंग जी भला भी उही कर सकता है जिहड़ा आप सही मार्ग ते चलदा है, सही मार्ग उही दिखा सकता है, जिहड़ा जपदा उही जपा सकता है। जिवें महापुरुष टकसाल दे पोथी विच प्रमाण देंदे कहिंदे इक अन्ना पुरश, अन्ना ते उन्होंने तीन प्रमाण दिते समझाउण वास्ते विचार नूं, कहिंदे उह अन्ना जिहड़ा सी ना पुरश जंगल विच गया अपनी चूरी जी लै गया सी, नाल चूरी कुटी हुई है उह नाल लई हुई है, जंगल विच जदों वड़ गया हुण अन्ना सी पता नहीं, लोकां नूं आवाजा मारदा है कोई मार्ग दसो कोई राह दसो, हुण अन्ना ही मिल गया, हुण उह अन्ने ने इह नहीं दस्सिया भी मैं अन्ना, अन्ने ने इह नहीं दस्सिया, जिवें उह सन्यासी ने इह नहीं दस्सिया मैं नहीं नाम जपदा भगती नहीं करदा गुरु बन के पूजा कराई जाए, उन्हें अन्ने ने नहीं दस्सिया भी मैं भी अन्ना, उन्हें अन्ने ने आवाज मारी दूजे ने भी कोई राह विखाओ, कहिंदे विखा देना तेरे कोल की है, क्योंकि उन्हें भुख लगी सी अन्ने नूं, तेरे कोल की है, कहिंदे मेरे कोल चूरी है खाण वास्ते, कहिंदे पहला चूरी दे फिर तैनूं रस्ता दस दे, उहनी चूरी लई चूरी खा ली, कहिंदे चल फिर मेरे मगर 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 चलिया अगे खूह आ गया, पुराना जिहा खूह सी डूंगा सी सुखा सी पानी नहीं सी, पहला आप गिरिया उहदे च फिर अन्ना भी नाल दूवे अन्ने सी गिर गए, जिन्हें चूरी खवाई सी उह अन्ना कहिंदा है बड़ा धोखेबाज निकले, चूरी भी खा ली ते खूह च धक्का भी मारता ते नाल ही आवाज आ गई मैं कितें नहीं गया मैं भी तेरे नाल ही हां, कहिंदे इह की गल तू तां कहिंदा मैं सुजाखा होण दा दावा करदा सी वी मैं सुजाखा मैनूं दिसदा मैनूं चूरी दे खाण नूं, कहण लगे जे मैं ना कहिंदा तू मैनूं चूरी खाण नूं दे देणी सी कितें ते मैनूं कहना पैणा सी ना वी मैं ना मैं मैनूं दिसदा मैं सुजाखा ते जे मैं वी इन्ना ते फिर तू कहणा मैं मैनूं ते मेरे ते तैनूं की आस है कि मैनूं मार्ग दसेगा, मार्ग दर्शक भी उही है ना जिहड़ा मार्ग दा पंधी, इस करके मैं आप अन्ना, कहिंदे तू तो बड़े दावे करदा सी मैं आ करदा तैनूं लै जांगा, तू भी मेरे नाल ही खूह दे विच डिग्गा पिया, हुण बाणी दी भगती भी ढुकदी इत्थे भगत कबीर दी, आप डुब्बे चो बेद मैं चेले दिए बहाए, इत्थे भी ढुक जांदी है। इह हुण सारी विचार तों की समझे, साडे वर्गे भी जिहड़े अन्ने ने मार्ग दसदे ने कादे वास्ते, जिवें उह चूरी लैण वास्ते, असीं पदार्थ माया लैण वास्ते दसदे आं भी तुहानूं मार्ग दसदे आं, पर पता है नहीं, पता नहीं, फिर उह आप भी जाएगा उहदे नाल जुड़न वाले भी जाणगे, तां करके गुरु नानक देव महाराज ने कहा है, पंजवें पातशाह ने कहा है 295 अंग ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे, पूरा प्रभ अराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गाओ, प्यारियो अधूरा तां कपड़ा नहीं चंगा लगदा, रिश्तेदारी च जाना कुड़माचारी च एक जोड़ा पाओ एक ना पाओ तुहानूं सियाणा समझणगे, एक पजामे दा पहुंचा है दूजे दा नहीं पा के जाओ सोहना लगेगा, ते जिहड़े लोग गुरु ने लोक प्रलोक सहायता करनी उह आपां नकली डुप्लीकेट कीते होए ने बंदे ही बनाए होए ने, उहने तां धक्के खाणे ने नरक च जाणा ही है आपां वी नाल ही जाणा, कबीर माए मुंडो तै गुरु की जाते भरम ना जा जाए आप डुबे चो बेद में चेले दिए बहाए, उहदी भी डुबकी बेड़ी ते उहदे नाल चेलियां दी भी डुबकी, इस तरह हुंदा है महापुरश कहिंदे समझाउंदे टकसाल दे पहली पोथी च प्रमाण दे के, भगत कबीर जी कहिंदे आ सन्यासी दा इह हाल सी, आप सुजाखा बणदा सी अन्नियां नूं राह की पाउणा सी, आप अन्ना होया पिया सी उहनां दे घर दा सकदा सी, लोकां नूं मार्ग दसणा सी संत ने, पर संत ही हुण आप पैग लाउंदा है, संत आप नशे करदा है, तो संत है
ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਧਨਾ ਸੰਪੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇਕ ਨੇ ਆ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ ਨਕੇਲ ਵੀ ਨੱਥ ਵੀ ਪਾਲੀ ਹਲ ਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹਲ ਚ ਜੋਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨੀ ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਮਿਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਫਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਸੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨੀ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਸੂਰਨੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਨੇ 12 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ 12 ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 12 ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜੇ ਕਥਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਬਾ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰ ਦੀਏ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜੂਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਸੱਪ ਅੱਗੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜੂਨ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਲ ਦੀ ਜੂਨ ਪਿਆ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਲ ਚੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਆ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਾਲੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮਤਾ ਕੰਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਤ ਕਿੱਥੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਅਹੰਕਾਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗਰਭ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨੀਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਸ਼ਕ ਨੇ ਘਾਤਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੱਦਾ ਤੋ ਸੁਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
दोष ना दीजे अवर जना। चंगे कर्म माड़े कर्म इथों अपनी विचार अपना आई एफ सी जॉब भी करते रहे सरदार भगत सिंह चंगयाई उन्होंने को अज उन्होंने याद किया जाए चंगे कर्म भला कर दे माड़े डोब दें दे। इस तरह सात संत जी जो भगत कबीर ने कहा भी सैड से हो जाओ तन से कहने दस हूं जेड़ा कर्म तू किया नाम नहीं जपया यह भी एक वड्डा दोष है पाप है नाम ना जपना भी पाप है सत्त रोज जपया करो भावे तुरते फिरते खेतों जाते जाते वाहेगुरु सफर करते करते वाहेगुरु है गड्डी से बहद ट्रैक्टर से बहद सैर करते हैं वाहेगुरु जिमें मर्जी याद कर लै तेरा लेखे पैना नाम सिमरन धर्म नहीं माड़ा लोड़ है जपन की जपन ते भला है जे ना जपे हूँ सन्यासी ने नहीं जपया तो कि जून पै गया जपन ते भला है भाई गुरदास की वार है वह सुनाने असाखी पूरा कर दी आप भगत कबीर जी कन से कहते हूं ऐ कर सीधा हो के हल बाने शुरू कर दे जब तक हल नहीं बांधा उद तक तेरा छुटकारा नहीं होना हिसाब किताब तेन पूरा करना पैना है जेड़ा इन्हों के घर का खादा ना गृहस्थी के घर का